सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 प्रश्नावली 1.2 जो कि पेज नंबर 17 पर दी हुई है उसका प्रश्न 7, 8 और 9 इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ ही अपनी कॉपी पर सवाल निकालने हैं। तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ेंगे। एक व्यापारी के पास, कोई व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता है, सामान बेचता है और ख़रीदता है। व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। कितने रुपये थे? 78,592। उसने 40 रेडियो ख़रीदने का ऑर्डर दिया। कितने का रेडियो ख़रीदने का? 40 रेडियो, ये 40 दिया हुआ है, ख़रीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य, प्रत्येक का मतलब एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है कि किसी व्यापारी के पास इतने रुपए थे और ये कुछ उसने सामान है जैसे कि रेडियो, 40 रेडियो ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया, एक रेडियो 1200 रुपये का था। तो अब हमें बताना है कि इन रुपयों में से इसने रेडियो ख़रीदने के बाद कितने पैसे इसके पास रह गए, कितनी धनराशि यानी कि पैसे रुपए कितने रह गए। तो इसका हल हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि व्यापारी के पास कुल रुपए। प्यारे बच्चों आप सवालों को साथ साथ कर लिया कीजिए, अन्यथा सवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो कुल रुपए हैं 78,592 रुपये। फिर क्या किया उसने? 40 रेडियो ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया और कितने रेडियो का मूल्य है? 1200 रुपये। तो रेडियो का कुल मूल्य हम निकालेंगे बच्चों। तो एक रेडियो का मूल्य बराबर है 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा बताओ? तो हम 40 का ज़्यादा है ना एक से, जैसे कि आप कोई एक पेन का मूल्य 5 रुपये है और 4 पेन लाते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 5 × 4 यानी कि 20 रुपये, 5 × 20। तो उसी तरह से 40 रेडियो के लिए इसको 1200 से हम 40 को गुणा करेंगे, या तो फिर आप 1200 को 40 बार जोड़ करो या फिर गुणा कर दो, छोटा हो जाएगा 1200 × 40। तो बच्चों इसके अंदर ये 00 दी हुई हैं, इसको गुणा करने का तरीका है 0 आप गिन के लगा दो, 1 2 3 1 2 3, और जो अक्षर है ना ये 12 और 4 बच गए हैं। आपको सबको 12 का पहाड़ा भी आता होगा, या आप सीधा ऐसे गुणा कर लो, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, वैसे 12 × 4 = 48 होता ही है। तो ये रकम आ गई हमारी, कितने रुपये आ गए? 48,000 रुपये। इनसे उसने रेडियो ख़रीद लिया बच्चों। अभी उसके पास रुपये थे 78,592 और रेडियो ख़रीद लिया 48,000 रुपये का। तो अब कितनी धनराशि शेष रहेगी, धनराशि का मतलब कितने रुपये? तो व्यापारी के पास शेष धनराशि क्या करेंगे? कुल राशि में से रेडियो का मूल्य घटा देंगे। क्या है कुल धनराशि? 78,592। इसमें से हम 48,000 घटा देंगे। ये भी 5 अंक की संख्या है, ये भी 5 अंक की संख्या है, तो हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो इसको घटा कर देंगे बच्चों। घटा करना आपको आता ही है, 2 में से 0 जाएंगे तब 2 ही बच जाएंगे, 9 में से 0 9, यहाँ पर बचेगा 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। तो ये बच गए बच्चों व्यापारी के पास शेष धनराशि, ये रुपए में आएगी। तो ये आपका 7 के सवाल का हल है। अब हम बढ़ते हैं 8 के सवाल की तरफ। सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो बच्चों हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये देखते हैं पहले क्या दिया है कि कोई रकम थी 7,236
उसको जैसे 7236 है, इसको 56 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था? 56 से। 56 के स्थान पर बच्चे ने क्या कर दिया? बच्चे ने कर दिया इसका उल्टा करके 65 से गुणा कर दिया। तो 56 से बड़ी है ना 65, तो वो संख्या फिर ज़्यादा हो गई। तो ये पूछ रहे हैं कि ये संख्या जो ये गुणा करने के बाद यहाँ पर जो संख्या आई है वो इससे कितनी अधिक है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? एक तरीका तो ये बड़ा तरीका हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा में जो परिणाम आएगा उसको उसमें से इसको घटा देंगे इस परिणाम को। लेकिन हम इसमें छोटा तरीका क्या करेंगे, आपके मैथ में भी दिया हुआ है संकेत में कि दोनों गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम जो बड़ी संख्या जिससे गुणा की है गलती से 65 में से छोटी को घटा देंगे, फिर 9 को हम इससे गुणा कर देंगे जो मेन संख्या है हमारी। तो इसका अब हम हल करते हैं। विद्यार्थी ने क्या किया, 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तो किससे गुणा करना था? जिस संख्या से गुणा करना था बराबर है 56, और जिस संख्या से गुणा कर दिया गया बराबर है 65। तो ये बड़ी है या छोटी है? बड़ी है ना 65, तो 65 में से 56 को घटा देंगे। कितनी अधिक संख्या से गुणा किया? जितनी अधिक संख्या या अंक से गुणा किया बराबर है 65 में से चले जाएंगे 56। कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेना, आप अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे लिख लेना, 5 में से 6 घट नहीं सकता, इधर से हम हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 15, ये बच जाएगा 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 0 बच जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 9 आ जाता है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन संख्या है 7236 उसको इससे गुणा कर देंगे, तो उसका ये पता चल जाएगा सही उत्तर से कितना अधिक था। तो क्या करें, क्या लिखेंगे, सही उत्तर से जितना अधिक था बराबर है 7236 को क्या करेंगे, गुणा 9। तो बच्चों इसको आप सीधा गुणा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख के आप गुणा कर सकते हैं, 7236 गुणा 9। तो आप इसको इससे गुणा कर दो, 9 6 54, हासिल आ जाएगी 5, 9 3 27, 27 और 5 होते हैं बच्चों 32, हासिल आ गई 3, 9 2 18 और 3 21, हासिल आ गई हमारी 2, 9 7 63 और 2 हासिल का 65। तो यहाँ से आ जाएगा 65124, 65124। तो ये सही उत्तर से इतना अधिक हो गया बच्चों। और यहीं पर अगर ये दिया होता हमें कि 65 की से गुणा करना था और 56 से कर दिया, यानी कि छोटी संख्या से भी गुणा हो सकता है गलती से, तो हम फिर उसको घटा देते। अगर छोटी संख्या से गुणा कर दिया और करना था बड़ी संख्या से, तो हम उसको फिर घटा देते, ठीक है? तो वो आ जाता कि सही उत्तर से वो कितना कम था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले प्रश्न नंबर 9 की हम रकम को पढ़ते हैं। एक कमीज सीने के लिए यानी कि सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष रहेगा? तो बच्चों इसके अंदर एक कमीज सिलने के लिए है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, यानी एक कमीज हम सिलते हैं तो इतना कपड़ा लगता है। तो हमारे पास दिया हुआ है कपड़ा 40 मीटर, तो कुल कपड़ा है 40 मीटर, उससे पूछा हुआ है कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 40 को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े से हम भाग कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कुल दिया हुआ कपड़ा
बराबर है 40 मीटर। और एक कमीज सिलने के लिए, एक कमीज सीने के लिए लिए कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता बराबर है 2 मीटर। ये दिया हुआ ना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ पर 40 को इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितनी कमीज़ें हम सिल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये 40 मीटर है, ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो हमें पहले इनकी इकाई को एक करना पड़ेगा। हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे और इसको भी हम पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 40 मीटर में को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 40 मीटर बराबर है 40 गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। इसलिए हमने इसको 40 से गुना कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें भाग देना है, हम भाग या गुणा करेंगे, कुछ भी करते हैं जोड़ घटा गुणा, तो हमें इकाई एक चाहिए सभी माप की, मीटर हो या लीटर हो। तो यहाँ पर 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बांट देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे 15 को, 2 गुणा 100 और जमा 15, तो यहाँ से आ जाएगा 200 जमा 15 बराबर है 215 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे 215 आ जाएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी कमीज़ें सिली जाएंगी, तो हम 40 जो मीटर था उसके हमने सेंटीमीटर बना दिए हैं, तो जितनी कमीज़ें सिली जाएंगी क्या करेंगे, ये 4000 सेंटीमीटर है, इसको हम 215 से भाग कर देंगे। तो भाग करने के लिए देखते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, दो बार, दो बार देखते हैं। 215 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 2 4, ये ज़्यादा हो जाता है 430, 400 से, तो एक बार भाग जाएगा बच्चों 215। फिर 10 में से 5 गए 5, फिर 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, फिर उतार लेते हैं हम क्या, 0 0 उतार लेते हैं। आप देखते हैं कितनी बार ये भाग जाएगा, तो 2 नीम 18, लेकिन फिर 15 का ही पार आएगा, तो देखते हैं 9 बार जाएगा या 8 बार जाएगा। 215 गुणा 9, 9 पंजे 45, असल 4, 9 एकम 9 और 4 13, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये बड़ा हो गया ना इससे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 8 से गुणा करके देखते हैं, 215 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 1 हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 1720 इससे छोटा है। तो हम कितनी बार भाग करेंगे, 8 यहाँ आया था, 1720 या 1720, इसको हम घटा देंगे 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पर बच जाएगा कपड़ा 130 सेंटीमीटर और 18 पूरी पूरी कमीजें सिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पॉइंट में हमें नहीं निकालना है क्योंकि हमें कितनी कमीजें सिलनी थी और कितना कपड़ा शेष रहेगा ये निकालना था बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमें ऐसे लिख देंगे कि जितनी कमीजें सी जा सकती हैं, सी जा सकती हैं बराबर है 18 कमीजें, और कितना कपड़ा शेष रहेगा, जितना कपड़ा शेष रहेगा बराबर 130, ये हमने किस में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है बच्चों। और अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो इसके अंदर
सौ जमा तीस, इस तरह से इसको खोल लेंगे तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर। ये हमने इधर रफ काम किया था बच्चों, इधर ये वाला सारा रफ काम है। इसको आप किसी दूसरी कॉपी में या ऐसे साइड में लाइन लगा के कर लेना। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से आ जाएगा 1 मीटर, और बाकी ये 30 सेंटीमीटर बच जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसमें जितनी कमीजें सी ली जा सकेंगी, 18 और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा शेष रहेगा।